सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हम जो सप्ताह का जो महत्वपूर्ण खबर होती है या जो महत्वपूर्ण काम होता है या महत्वपूर्ण मामला होता है उस पर चर्चा करते हैं। और आज हमने जो मामला रखा है वो रखा है मदरसों का सर्वे। चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मदरसों का सर्वे 15 अक्टूबर तक पूरा होना था और 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी, पर चूंकि सर्वे लगातार जारी है और कहीं सर्वे की समय भी बढ़ने की उम्मीद थी, वो सर्वे की समय जो समय था वो बढ़ा दिया गया है, हफ्ते भर का समय वो बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद साथ ही साथ जो रिपोर्ट सौंपनी है वो पर उसका समय 15 नवंबर तक कर दिया गया है। और अगर हम सर्वे की बात करें तो लगातार सर्वे जारी है और उसमें तमाम तरह के तथ्य भी निकल के आ रहे हैं कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन पर लगभग 5200 का सर्वे हो चुका है, लगभग 80% का सर्वे हो चुका है, 20% का सर्वे बाकी है। और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो मुरादाबाद में सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए, इसके अलावा बिजनौर दूसरे नंबर पर और बस्ती तीसरे नंबर पर आया है गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे उनके नंबरों में कितने मदरसे ज़्यादा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि हम लगातार देख रहे हैं कि जब सर्वे की बात कही गई थी उसके बाद लगातार सियासत गर्म रही और तमाम तरह के बयान आए कि इन सर्वे के माध्यम से केवल और केवल समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है, उनको लक्ष्य और निशाना बनाए जाने की कवायद लगातार चल रही है। क्योंकि सरकार हमेशा ऐसे काम कर रही है जिसको लेकर हमेशा एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। तो वही सरकार का कहना है कि हम मदरसों को विकसित करना चाहते हैं और मदरसों को विस्तार करना चाहते हैं, जो मदरसे इस योग्य हैं कि उनको शासन की मान्यता दी जाए, शासन का अनुदान मिले, इसलिए उन मदरसों को हम चयनित भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर खराब फंडिंग हो रही है, अगर इलीगल फंडिंग हो रही है तो उसको भी हम देखेंगे, और अगर कुछ मदरसे बेहतर कर रहे हैं तो उनको जोड़ने का और उनके जो स्तर को भी अपग्रेड करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा और विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। ये सरकार का मंसूबा है, सरकार का मंसूबा ये जो सरकार बता रही है। फिलहाल महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि इस माध्यम से हम देखते हैं तमाम तरह की, अगर PFI की बात होती है या मदरसा सर्वे की बात होती है या ज्ञानवापी जो भी जो एक मामला चल रहा है, अभी कल उस पर बड़ा फैसला आया, कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हुई, हमेशा से जो सियासत होती है कि धार्मिक रूप से यहाँ पर मुसलमानों को निशान बनाया जा रहा है और जो राजनीतिक हैं वो इस तरह बयान देते हैं जिनका उत्तर प्रदेश से दूर दूर को लेना संबंध भी नहीं है, कोई परिचय भी नहीं है, उसके बावजूद लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल देते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मदरसों के सर्वे को एक गलत तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग उसको बयानबाजी करके गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे का सर्वे जो मान्यता प्राप्त नहीं वो मान्यता ले, और जो मान्यता प्राप्त है अगर उनके यहाँ कोई कमी है और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है। उसके कारण से सर्वे हो रहा है और सर्वे में कई ऐसे, अभी सहारनपुर में सर्वे हुआ, एक वहाँ पर कितना देश का दुश्मन वहाँ पकड़ा गया, अब श्री अखिलेश यादव जी को अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से ऐसे देश के विरोधियों के अंदर कुछ उनको वोट दिखाई देता है, तो हम उसको नहीं कुछ रोक सकते। क्यों रेगुलाइज करेंगे, क्या रेगुलाइज कर, नहीं नहीं क्यों क्या रेगुलाइज करेंगे आप, जो मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है, ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका, आपको क्या राइट है करने का, क्यों करेंगे आप, नहीं आप नहीं आप, आप क्यों क्यों जानकारी करेंगे आप, क्या आपके सामने नहीं आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को, आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना, आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहां पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप करें कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो, अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो तुम सब, बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है, ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। आपने देखा किस तरह से सियासत बनी हुई है, और ये बयान हालांकि पुराने हैं पर कहीं ना कहीं चूंकि इस समय मदरसों का सर्वे लगातार चल रहा है और समय भी बढ़ा दिया गया है, 15 अक्टूबर तक इसको सर्वे होना था पर इसको समय एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है, इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सौंपनी है उसका समय भी 15 नवंबर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि हम मदरसों को बेहतर करना चाहते हैं, सरकार का कहना है हम मदरसों को विकसित करना चाहते हैं, सरकार का कहना है
जो वहाँ पर कमियाँ हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं, जो मदरसे सरकारी अनुदान के योग्य हैं उनको अनुदान भी देंगे, और जो सरकारी अनुदान के अंतर्गत आते हैं मदरसे, लगभग लगभग 550 मदरसे अनुदान के अंतर्गत आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन मदरसों को भी अगर कुछ कमी होगी उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल चर्चा शुरू हो चुकी है और मेहमान जुड़ चुके हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, संतोष सिंह भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जनाब हसन रिजवी साहब अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो संतोष भाई से रहेगा। संतोष भाई, यहाँ सर्वे की जो तारीख थी, जो समय था, उसको थोड़ा बढ़ाया गया है और सर्वे की प्रक्रिया लगातार जारी है, पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि समय समय पर सर्वे पर कटाक्ष आने लगते हैं, और जब भी कोई चर्चा होती है तो मदरसे के सर्वे की बात जरूर कही जाती है कि सर्वे के माध्यम से यहाँ पर समुदाय विशेष को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा गौरव जी, मुझे एक बात बताइए, प्रतिदिन शिक्षा विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से, उसके अंतर्गत प्रतिदिन ऐसे न ऐसे कोई स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो अनलीगल पाए जाते हैं, वो बंद होते हैं। क्या कभी ये कोई आदमी आता है चैनल पे बोलता है, या शोर शराबा होता है, हल्ला होता है क्या? जी नहीं होता। जो अनलीगल है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो हमारा विद्यालय हो, उनका विद्यालय हो, धर्म विशेष का हो, छत्री का हो, ठाकुर का हो, ये कौन सी बात है, मेरे समझ में नहीं आ रही। अरे भाई अनलीगल है तो बंद होगा, लीगल है तो चलेगा, सीधी सी बात है इसमें जी। पर अगर अगर कोई अनलीगल है, अब देखिए इसको भी राजनीतिक मुद्दे के तरफ ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती घसीट के जी। जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जी। आएगी रिपोर्ट, जो लीगल होगा वो चलेगा, हो सकता है उनके वजह से जो लीगल मदरसे हैं जी, उनको बेचारों को नुकसान उठाना पड़ रहा हो जी, उनको उनको तकलीफ होती हो, उनके हक का पैसा उनको ना मिलता हो जी, उनके हक के पैसे उनको ना जाते हो, ये तमाम सारी चीजें है। और देखिए इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और इस पर राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। ओबैसी साहब का बयान किसके लिए है आपको भी मालूम है, पूरा दुनिया जानता, पूरा देश जानता है कि ओबैसी साहब किसके लिए बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। उनके बयान पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा फंडा, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर सरकार ने तय किया कि मदरसों की जांच होगी तो मदरसों की जांच हो रही है, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो लीगल है वो चलेगा, जो अनलीगल है वो बंद हो जाएगा, बात खत्म हो गई। संतोष भाई, इतनी सी बात है। एक चीज आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट आई है कि सभी मदरसे वो जानकारी बड़ी आसानी से और बड़ी सुविधा के साथ मुहैया भी करा रहे हैं, बेहतर पहल है, क्या मानते हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, मैं पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ आपका, राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है, इनको वह लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से सरकार का पैसा लेकर के धन का बंडाधार करते चले आए हैं। मदरसों में क्या ये पढ़ाएंगे और क्या लिखाएंगे? आज तक मदरसों का आधुनिकरण तो हुआ नहीं, ना किसी नेता ने बोला कि मदरसों में भी साइंस पढ़ाया जाए, मैथ पढ़ाया जाए, कंप्यूटर, ये तो कोई बोला नहीं। संतोष जी, मेरा कहना यह था कि जो भी आंकड़े मांगे जा रहे हैं वो सभी आंकड़े मदरसे मुहैया करा रहे हैं, बेहतर चीज है और बेहतर पहल भी बोले इसको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो लीगल मदर, आपने और लोगों को भी सुना होगा, और लोग भी मदरसों से रिलेटेड जो लोग हैं जिनके मदरसे चल रहे हैं जी, उन लोगों का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उन लोगों का भी आपने बयान सुना होगा, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो सरकार अच्छा कर रही है और वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं, जिनको मालूम है कि लीगल है और ये चलना चाहिए, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार, ठीक है ठीक, और वो इसमें कहीं से कोई जोर, बाकी जिनको बोलना है, जिनको तकलीफ है, उनकी तकलीफ आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और पूरा देश समझ रहा है, प्रदेश समझ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक, जिनको गलत लग रहा है उनको गलत लगने दीजिए, सरकार की अच्छी पहल है और होना चाहिए। जो जो लोग लीगल है वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जो अनलीगल है वो हल्ला कर रहे हैं, उसको राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब गलत बातें हैं, कहीं से कोई सरकार की कोई मंशा नहीं है, बड़ा स्पष्ट मंशा है जो अनलीगल है। और मैं पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में तमाम ऐसे स्कूल है जो प्रतिदिन जांच होते हैं और जांच में बंद हो जाते, कोई नेता कोई विद्यालय का और कोई आदमी आके बोलता है कि आप बताइए मुझे, ठीक है ठीक, कोई नहीं बोलता है, तो ये सीधा फंडा है कि अनलीगल है तो बंद होगा, लीगल है तो चलेगा, ठीक है ठीक है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर ग्रुप में हसन रिजवी मौजूद हैं। हसन जी, आपने देखा यहाँ पर जो सर्वे का समय था थोड़ा बढ़ाया गया है, और जो रिपोर्ट सौंपने का समय है वो भी 15 नवंबर कर दिया गया है। सर्वे लगातार किए जा रहा है और तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही है, और जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो जानकारी मांगी जा रही है, वो भी मदरसे के जो व्यवस्थापक हैं जो चला रहे हैं वो भी मुहैया भी करा रहे हैं, तब भी इस पर सियासत गर्म है, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? सियासत कौन कर रहा है जी? सियासत हमें लग रहा है कि इस पे ज्यादातर न्यूज चैनल आजकल, इनको भी सियासी जमात में शामिल हो जाना चाहिए, वो कर रहे हैं।
जी सियासत तो फिर आर्टिकल 30 के तहत जो राइट्स दिए गए हैं या हुकूमत केंद्र सरकार उसको खत्म कर दे कि आपको कोई राइट्स नहीं है अपने रिलीजन शिक्षा देने की या फिर वो सर्वे करा रही है तो उसमें या फिर ये बता दे कि 2013 के बाद से कितने मदरसों के लिए मान्यता के लिए एप्लीकेशन दी गई और कितनों को मान्यता दी गई। जब आप मान्यता दे ही नहीं रहे तो लीगल और अनलीगल की बात ही क्या। मदरसा बोर्ड तो आपने बनाया, चेयरमैन कभी यहाँ लखनऊ में मिलते नहीं, मदरसा बोर्ड में मेंबर्स के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कमरा नहीं है, अधिकारियों के भरोसे ग्रांट भी दी जा रही है, घूम टहल के मंत्रियों और संतरियों के पास ही पहुंच जाती है, तो सब अनलीगल है। टोटल मदरसा बोर्ड में टोटल अराजकता का माहौल है। पहली जांच तो इसकी होनी चाहिए कि जो ग्रांट आखिर ये बताइए जो केंद्रांश और राज्यांश दिया जा रहा था वो 6-6 महीने से क्यों रुका हुआ है और वो रुका हुआ है तो उसमें जो टीचर है उनको किस गुणवत्ता के है और उनको अगर नहीं दिया जा रहा है तो कहां जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, कौन खा रहा है, इसकी जांच पहले होनी चाहिए थी। और सरकार जांच कर रही है, जांच करने दीजिए जांच। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हो रही है जो भाजपा की एबीसी टीम है उनके लोगों को। उनको एक मुद्दा बनाना है क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ रहा है 24 का, तो उससे पहले पोलराइजेशन करना है क्योंकि हमने देखा कि आर्य संघ प्रमुख कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिल रहे थे तो देखिए एक और सभा हो गई वहां पे, मजदूरी ना दो, सामाजिक बहिष्कार करो, संपूर्ण बहिष्कार करो, तो इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है तो सब जान गए। आज भारत के नागरिक या प्रदेशवासी अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है कि क्या इन चर्चाओं का क्या मकसद है और इसके पीछे क्या मकसद है, ये सबको मालूम हो चला है। देखिए अब तो महंगाई और विकास की बात होगी, अब इलेक्शन में बात ये होगी कि आपने जो डिलीवर किया है उसकी बात कीजिए। अब हिंदू मुसलमान ये पुराना हो गया, इसको जनता ने नकार दिया और जिसका जीता जागता उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ जीता जागता उदाहरण है ज्ञानव्यापी मसला, जिसको लाख कोशिश करने के बाद भी जनता के बीच वो समर्थन नहीं मिल पा रहा कि सब कह रहे भाई कोर्ट का जो आदेश होगा वो सब मानेंगे। अब उसमें हमने ये भी देखा कि वहां के जो काशी विश्वनाथ के पुरोहित हैं वो कह रहे हैं तो बाहरी लोग आके वो फैला रहे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, इनके पास कहीं से फंडिंग हो रही है। तो अब जब इतने गंभीर मुद्दे उठ रहे हैं, इतने गंभीर वो उठ रहे हैं, तो सवाल ये है कि अब तो जांच होनी चाहिए कि आखिर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा क्यों हो रही है, महंगाई पर चर्चा कब होगी? भाई सिलेंडर जब 600 था तब तो चर्चाओं पे चर्चा होती थी, आज 1170 रुपए हो गए, चर्चा कब होगी? बेरोजगारी पे चर्चा कब होगी? एक तरफ बाढ़ आई हुई है, एग्जाम की डेट के लिए छात्र संघर्ष कर रहे हैं, उनको लाठी मिल रही है, अब ये बताइए कोई व्यवस्था नहीं, कैसे पहुंचेंगे छात्र वहां तक एग्जाम देने के लिए? तो सवाल ये कि मैं मुख्य मुद्दों को हटा के तो जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, इसकी जब रिपोर्ट आएगी तब बात होगी, लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे कब बात हो? क्यों समय खराब कर रहे हैं हम अपना और भारत का और प्रदेश का और देशवासियों को? क्यों, क्या मिल रहा है? ठीक है जी, ठीक है धन जी। तारिक भाई हमारे समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। तारिक भाई, सर्वे का समय बढ़ा दिया गया है और रिपोर्ट भी 15 नवंबर तक दी जाएगी, ये आदेश दिया गया है, पर साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सर्वे जो मदरसा का सर्वे जो चल रहा है वो लगातार चर्चा कोई भी होती है, चाहे PFI पर चर्चा हो, चाहे ज्ञानवापी मुद्दे पर चर्चा हो, कोई भी मामला रहो, ये मदरसा का नाम जरूर लिया जाता है कि सर्वे के माध्यम से यहाँ पर हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी सोच क्यों हो रही है भाई? सर्वे पे बताऊं, उससे पहले कुछ पढ़ रहा हूँ गौरव भाई, सुनिए, इंग्लिश में है फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई खबर है जी, मोर देन हाफ अ मिलियन मुस्लिम क्लैरिक जी, क्लैरिक मतलब होता है मौलाना, सैक्रिफाइस देयर लाइफ for India during the various phases of the great 1857 revolt. जी, जो लोग ना समझे हो तर्जुमा बताओ। जी, half a million मतलब होता है 5 लाख। 5 लाख जी। हिंदुस्तान टाइम्स छाप रहा है, मैं नहीं, मैं कौन, मेरी कौन होगा? जी जी जी। भेज दूंगा सब लोग। जी। हिंदुस्तान टाइम्स छाप रहा है कि 5 लाख रजिस्टर्ड मौलानाओं ने, क्लेरिक, मुसलमान नहीं थे वो, मौलाना थे, जब क्लैरिक लिखा है दैट मींस जी कि दे गॉट देयर एजुकेशन इन मदरसा, जी मदरसे में पढ़े जी, सर्वे कराइए, दिक्कत नहीं है जी। मंत्री ने भी कहा कि जांच नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है, जो सैनी है अल्पसंख्यक वाले मंत्री जी, लेकिन उसको अभी एक साथ थे उन्होंने जो आधुनिक टीचर है गौरव भाई जी, मैं जिस दिन से सर्वे हो रहा है उस दिन से मुद्दा उठा रहा हूँ, उनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो?
कौन देगा उनकी सैलरी? टीचर की बात करते हो जी, वो आधुनिक के टीचर है, उनका काम ही है टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाना, मैथ फिजिक्स साइंस, मेरी माँ भी उसी में टीचर है, तनख्वाही नहीं पाती है, अब बताइए बुलाओ उनको यहाँ बैठा लूं जी, क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें केंद्र और राज्य पहले से मॉडर्न एजुकेशन के लिए प्राविधान बना रखा है, उस पे कोई बात नहीं है, जवाब है दानिश आजाद अंसारी जवाब दे, कोई भाजपा वाला आए वो जवाब दे, कब दोगे तनख्वाह भाई उनको, या क्यों रख रखा है? और एक बात है, उसमें सिर्फ मुसलमान लोग काम नहीं करते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग टेक्निकल एजुकेशन देते हैं मदरसे में जी, 2017 के बाद दिया नहीं आपने जी, 147 मदरसे अखिलेश यादव ने गवर्नमेंट एडेड किए जी, आपने कितने किए जी? 2000 दिन हो गए सरकार बने हुए गवर्नमेंट जी, 2040 दिन हो रहे जी, एड दिया मदरसे को जी, याद आ रही है मदरसे की जी, 3300 करोड़ रुपए बजट था समाजवादी पार्टी में जी, 1700 करोड़ अभी है जी, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं जी, अगर बजट घटा दिया जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा कि खराब होगा जी? सही बात, कौन सा लॉजिक है ये, कोई समझाए हमको कि बजट घटा के उद्धार हो रहा है, ऐसे उद्धार हो रहा है जी, क्या कर रहे हो आप? सर्वे करा, बड़ा सर्वे का शौक है, बाहर में लोग मरे जा रहे हैं, कराओ सर्वे दो पैसा जी, वहां तो रजिस्टर करोगे क्या कि ये हिंदू है, मुसलमान है, मदरसा जी, औरंगजेब पाकिस्तान मुसलमान ज्ञान व्यापी जी, इसी पे इनको बात करनी है, इसी को हॉट रखना है, तबाही मची गौरव भाई, हम जहाँ जिस जिले में रहते हैं बाढ़ से, बाढ़ हिंदू मुसलमान देख के नहीं आई है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, मुसलमान के घर थोड़ा रुक के जाना जी, बराबर से आई है, पानी नहीं देखता हिंदू मुसलमान जी, बिल्कुल, तो कैसे समझाया जाए इनको ये कोई नहीं जानता है, 1200 लड़कों ने नीट क्वालिफाई किया जी, इंटर की परीक्षा मदरसे से की थी, आपने भी न्यूज पढ़ी होगी, बताने मैंने अपनी ड्यूटी चलाया भी था भाई, मैं फाउंडेशन भी बता सकता हूँ कहाँ कहाँ के थे वो मदरसे, कुरान पाक जानते हैं अरबी में होती है गौरव भाई जी, चार लाइन याद करने में जी, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं चार लाइन याद करने में छीके आ जाती है, वही मदरसे के बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं, कोई करके दिखाए, और लोग भी कर सकते हैं जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनको सवालों के गहरे में 1857 से जान दिए आ रहे हैं, शेखुल हिंद हसरत मोहानी मर गए, काबुल में जाके सरकार बना दी आपकी जी, और प्रताप साहब को उसका प्रेसिडेंट बना दिया, किसी मुसलमान को नहीं बनाया, उनकी आप ईमानदारी पे शक करते हो, दो चार लोग अगर बेईमान है तो ठीक है, समझना है, बहुत से लोगों का नाम आया इस कांड में उस कांड में, तो क्या किसी एक पर्टिकुलर तारिक भाई मेरा पूरा जिम्मेदार? तारिक भाई मेरा कहना ये है, पर जिस तरह से आप लोग बात कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर सर्वे हो रहा है तो उस पर उसके बाद हमारी राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका कहना ये है। पर तारिक भाई महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम वर्ग से जो राजनेता हैं समाज से हैं, जो समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे मुद्दे होते तो शुरुआत के हैं पर उसके बाद गहन राजनीति केंद्र बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि नहीं, इस बार मानते नहीं मानते आप? नहीं बिल्कुल, देखिए आप सर्वे कराइए गौरव भाई, मेरा मकसद ये है कि आपको डेवलपमेंट, सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट करना जी, किसी भी समाज का जी, और इंक्लूसिवली सबको मिला के भी करना है, अलग अलग अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको भी करना है जी, हमको विपक्ष का रोल दिया आपको पक्ष का रोल दिया, सर्वे कराइए, लेकिन हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जी, कि जो तनख्वाह कब दोगे बता दो जी, बजट क्यों घटाया बता दो जी, 550 से ज्यादा एडेड कब करोगे जी, क्यों नहीं कर रहे हो एडेड, कैसे फैसिलिटी दोगे, ये सब चीजें बताओ लोगों को, सार्वजनिक करो, विपक्ष हमको नहीं बताओगे क्या जी, या हम अगर सवाल, हम सर्वे पे कोई सवाल नहीं करो भाई जी, आप स्थिति जानना चाहते हो या ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या है, हम कितना ज्यादा इनकी चूड़ी टाइट करने का तो रहे, चूड़ी टाइट जी हो गया, सब कुछ चूड़ी टाइट कर दिया, अब क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया एकदम जी, कर दिया चूड़ी टाइट एक खास तबके की, इससे कुछ नहीं होता गौरव भाई जी, मैं कह रहा हूँ आप सीधे से बताइए जी कि इन सर्वे का, जो सर्वे कराने के बाद जी हम, आप 550 से इन्होंने कहा बाकायदा लिखित ऑर्डर किया 3-4 साल पहले कि अब हम किसी को सरकारी मान्यता नहीं देंगे, क्यों? और जब आपकी सरकारी मान्यता नहीं है जी, अमूल जानते हैं गौरव भाई क्या है जी, अमूल एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है दुनिया का सबसे बड़ा जी, कोऑपरेटिव मूवमेंट का ये मतलब होता है कि लोग आपस में मिलकर किसी एक चीज को चलाते हैं, अगर लोग मदरसा चलाते हैं तो क्या डेमोक्रेटिक राइट उनका नहीं जी? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जी, आपकी गाइडलाइन के साथ
वो अपने पैसे से, कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो चंदा देते हैं जी, और उसके बाद वो मदरसा चल रहा है, उसको फंडिंग का नाम कैसे दिया जा सकता है जी। वो बच्चे पढ़ने के बाद बाहर देश में जाते हैं, पैसा कमाते यहाँ भेजते हैं, बिना डॉलर को नहीं गिरा पाता है, वो पैसा जो वापस आता है उसी को रेमिटेंस मनी कहते हैं जी। कैसी बात करते हैं गौरव भाई जी, वो पैसा जो बाहर लोग हिंदुस्तान के हैं, उसमें मौलाना भी है जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं जी, वो आगे की एजुकेशन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उस फील्ड में जी बिल्कुल, उस फील्ड में ग्रेजुएशन भी होता है जी, उस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, आलिम भी होते हैं, आलिमात भी पढ़ी जाती है और बहुत सी डिग्रियां हैं। मैं नहीं कोई इस्लामिक जानकार हूं, लेकिन आप किसी दिन बैठा लेंगे तो आप उसकी जो डाइवर्सिटी है, जो उसका फैलाव है, उसको समझेंगे। बड़ी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटियां, अल अजहर का आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, इस्लामिक नहीं, वहाँ इस्लामिक स्टडीज होती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी वो है। तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करना या ये कहना कि यहाँ पर ये अड्डे हैं या आसाम के मुख्यमंत्री, तो लगता है सरकार टारगेट कर रही है क्या? नहीं गौरव भाई, जैसे नियत जो है इनकी अगर पहले से साफ होती जी, तो तनख्वाह दे देते तब सर्वे की बात करते गौरव भाई जी, उनका पेट कैसे भरेगा जी, कैसे गरीबों का, 25,000 लोग है वो जी। टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हो, मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर को तनख्वाह कौन देगा जी? चाइना से आएगी क्या तनख्वाह जी? डोनाल्ड ट्रंप से मांगे क्या तनख्वाह जी? जापान के मुख्य प्रधानमंत्री से मांगे तनख्वाह? किससे मांगे जी? उसमें दोनों स्टेटों का हिस्सेदारी है, राज्यांश और केंद्रांश जी, नहीं देते हैं। कभी स्टेट दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कब से नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे? मुसलमानों की चिंता है ना भाई जी। तो मैं कह रहा हूँ पहले ये जो मूलभूत चीजें जी, उसके बारे में भी तो बता दो, तनख्वाह कब दोगे जी? जब हम पूछते हैं तो हमको जवाब मिलेगा समाजवादी में ये हुआ था, अरे समाजवादी में क्या हुआ था, खत्म, मट्टी पे मिटा दीजिए जी, सरकार आपकी बनी है जी, दोबारा बनी। आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को पढ़ा पढ़ाई देंगे, आजाद साहब रोज चिल्लाते हैं, अंसारी साहब जी, मंत्री जी ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तो समय क्या करेंगे सर्वे का? नहीं बस खत्म कर रहे हो, 5 सेकंड जी। सर्वे का उद्देश्य जी, सर्वे के ऑब्जेक्टिव क्या जी, क्लियर होने जी, ठीक है, ठीक है तारिक भाई। हसन जी, मैं फाइनली चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक अनुभवी आदमी हैं और बहुत कुछ आपने समय देखा है, सरकारें देखी हैं, सर्वे की जो प्रक्रिया लगातार चल रही है, रिपोर्ट भी 15 नवंबर तक आ जाएगी, पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि टारगेट करके इस तरह के सर्वे कराए जाते हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको मुहैया कराई जाए तनख्वाह के लेके, और अगर जोड़ने की मंशा थी तो अब तक क्यों नहीं जोड़े गए? आपने ये बात उठाई है, कैसे देखते हैं? देखिए 13 के बाद से किसी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है जी, हजारों 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 एप्लीकेशन पेंडिंग बढ़ी है जी, तो अगर मंशा सही होती और सही दिशा में काम हो रहा होता तो पहले उन 500 जो मदरसे हैं जो एडेड हैं सरकार की तरफ से उनका सर्वे हो कि उनकी सुविधाएं मूलभूत होती, कोई एक आइडियल मदरसा उत्तर प्रदेश सरकार बता दे कि ये आइडियल मदरसा है, इसकी तर्ज में हम सबको बनाना चाहते तब तो माना जाता। लेकिन अफसोस की बात ये कि यहाँ सुल्तान मदारिस जिसके जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के संपत्ति में है उसके एडमिनिस्ट्रेशन डीएम साहब है, उसमें भी अभी तक प्रिंसिपल नहीं है 4 साल से जी। तो ये तो मदरसों की स्थिति है, उसके बाद एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इनकी स्थिति अच्छी करनी चाहते, तो भाई जहां टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो सर्वे करा रहे हैं, करवाइए, वेलकम है, क्योंकि सर्वे ही होना है, सिर्फ रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आके जैसे कि और भी सर्वे हुए थे और भी रिपोर्टें आई, रंगनाथन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वैसे एक रिपोर्ट और आएगी और उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन ये कि इसका लाभ चुनाव में किस तरह लिया जाए जी, इसका अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल अपना फायदा उठाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी भी तरह की मदरसे की किसी स्थिति में कोई फर्क पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है संजी, ठीक है संजी। तो आपने यहाँ पर देखा चर्चा हुई और चर्चा में तमाम चीज़ें सामने निकल कर आईं। रिजवी साहब का कहना है कि अगर सरकार की मंशा विकास की है, बेहतरी की है, विकसित करने की है, तो जो पहले से सरकारी अनुदान की श्रेणी में आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं उनको विकसित करके उनको एक नज़ीर बनाया जाए और उसके बाद फिर अन्य के सर्वे कम जा सकते हैं, कम से कम पहले उनको विकसित करने का, उनको बेहतर करने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। ये जो
व्यवस्था है ये लागू होनी चाहिए, ऐसा कहना है मुस्लिम स्कॉलर हसन रिजवी साहब का। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान का स्पष्ट कहना था कि केवल और केवल विशेष समुदाय विशेष को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अगर आपकी व्यवस्था विकसित करने की तो 2013 से अब तक ऑल मरल्सों को क्यों नहीं जोड़ा गया, उनकी सुविधाओं पर चर्चा क्यों नहीं हुई, केवल केवल चुनाव को देखते हुए ऐसी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अब प्रक्रिया चल रही है, रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है, सर्वे लगातार जारी है और साथ ही साथ 15 नवंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी। क्या रिपोर्ट आने वाली है, क्या होगा और क्या चीज़ें सामने निकल पाएंगी, ये वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं अगर कोई बेहतर का काम किया जाता है तो हमेशा उस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तो लगते ही लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात भी है कि यहाँ पर जो मनसा विकसित करने की है या फिर टारगेट करने की है, ये तो सरकार बेहतर जानती है। और आने वाले समय में जब उनको प्रॉपर तरीके से उनको विकसित करने की प्रणाली शुरू होगी तो तभी स्पष्ट हो पाएगा कि मनसा विकसित करने की किया लक्ष्य बनाने की। फिलहाल चर्चा होती रहती है और इस चर्चा में यही बात सामने निकल के आई है कि अब सर्वे चल रहा है, सर्वे चलता रहेगा और रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी और बहुत कुछ साफ हो जाएगा। कम से कम रिपोर्ट होने तक बयानबाजी ना रहे, केवल इस मुद्दे को केवल और केवल राजनीतिक ना बनाया जाए तो बेहतर रहेगा हमारे समाज के लिए भी, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी और हमारे देश के सामाजिक सौहार्द के भी, क्योंकि सब कुछ होने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे निर्मति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।